दीतवे हुण चेकिंग जड़ी हो रही है फाइल्स दे ओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो रही है कि सही है। हाँ जी बिल्कुल सही है, इहदे नाल टैक्सपेयर्स दी भी करैक्ट लायबिलिटी एस्कर्टेन हो जूगी ते डिपार्टमेंट दा भी जिहड़ा रेवेन्यू है। जिहड़े लोग सही अमाउंट दे विच टैक्स नहीं पे करदे उहनां दा की होएगा? जिहड़े सही अमाउंट दे विच नहीं पे करदे उहनां नूं नोटिसिस वगैरा इशू होणगे, ते जे अमाउंट ज़्यादा इनवॉल्व है तां डिपार्टमेंट पेनल्टी 200% प्लस कुछ केसिस दे विच रेयर केसिस च प्रोसीक्यूशन भी लांच कर सकदा है। प्रोसीक्यूशन दे बारे थोड़ा जिहा दस दो सर। प्रोसीक्यूशन डिपार्टमेंट ने रीसेंट इंडिया दे कुछ पार्ट्स दे विच उन्होंने प्रोसीक्यूशन प्रोसीडिंग्स लांच कीतियां हैगियां, जिथे डिपार्टमेंट नूं इह लग्गिया वी जिहड़ा हैगा टैक्स इवेजन है ते फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, उत्थे उन्होंने लांच कीतियां। इत्थे डिपार्टमेंट दी अज दी डेट दे विच एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी बढ़ गई हुई है, वो टूल्स यूज़ करके डिपार्टमेंट सारा ही डाटा जिहड़ा फैच कर रहा है, चाहे वह तुहाडी कोई जमीन जायदाद की तुसीं सेल परचेज की है, चाहे तुहाडा बैंक स्टेटमेंट दे विच कोई फंड आए हैगे आ, सारियां चीज़ां आपस दे विच जिहड़ियां इंटरलिंक हो चुकियां। सर पेटीएम गूगल पे तो भी असं अजक ट्रांजैक्शन करते हैं कि ये भी काउंट हो गया जो सा इनकम आई टी आर जो अभी फाइल करा वो रिलेट? अगेन वेरी इंट्रस्टिंग क्वेश्चन, अज की डेट बहुत सारे ट्रांजैक्शन ईवन मिसलेनियस ट्रांजैक्शन आप जूस भी पीने वो भी पेटीएम वगैरह तो हो जाए, ये भी अपने ऑनलाइन मीडिया के थ्रू है तो इन तो भी डाटा उन्होंने असैस हो सकता डिपार्टमेंट को। इन्ना डिपार्टमेंट का जोड़ा सिस्टम है वो स्ट्रोंग बन चुका कि विदन सैकेंड्स वो लखा ही टैक्सपेयर्स का डाटा प्रोसैस कर सकता, तो आटोमेटड वे दे विच नोटिस भी इशू सिस्टम ही करूगा। ये फिर मैनुअल ते भी कोई फर्क पेगा जिवें मैन लोग लगते सी पहला उहदे ते इंपलॉयमेंट का भी मैं लग रहा थोड़ा जा फर्क पै सकता? नहीं इंपलॉयमेंट रैदर बधूगी, जिस तरह कंप्यूटर आए हैगे आ कंप्यूटर्स दे आन नाल इंपलॉयमेंट बधी है, इसी तरह AI दे आन नाल भी इंपलॉयमेंट इन द लोंगर रन बधूगी, नवीं जॉब्स ऑपरचुनिटीज क्रिएट होणगियां। तुहाडे हिसाब नाल इहदे विच हुण जिहड़े एक्टिविटीज़ इनवॉल्व हुंदियां सी लोकां दीआं कि जिन्हां कोल ज़्यादा इनकम है बट ओह स्टिल घट शो करते हैं कि उन्होंने भी कुछ नुकसान होएगा? हाँ जी इनकम अगर आप घट डिकलेयर कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट बेसिकली उन्होंने चीज़ों उत्ते कैच करना चाह रहा है, उन्होंने अलर्ट होने की लड़ है। इतने एक मैं बहुत ही तुम्हें इंपोर्टेंट चीज़ दस दिना, कुछ लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है भी असी तो जी अपनी ITR फाइल कर ली है, तो पंजाबी कहावत है भी डुले बेरों का कुख नहीं बिगड़िया, तो तुम अपनी जी ITR है उन्होंने रिवाइज कर सकते हो, तुम उन्होंने रिटर्न फाइल कर बहुत फायदे है, इन टाइम आप फाइल करते हैं, इनू इनकम प्रूफ भी यूज़ किया जाता है, किसी ने अब्रॉड जाना है तो उत्थे भी इनू सब तो बड़ा प्रूफ मनिया जाता है, तो इसलिए जे तुम लोन लेना वो भी काम आती है। रिटर्न जी हैगी है तुम जे थोड़ी इनकम ईवन नील है ज बिलो टैक्सेबल लिमिट तो नीचे है तो भी इट इज़ एडवाइजेबल तुम अपनी रिटर्न। जिमें कि तुहानू सब नू पता ही है कि 31 जुलाई नू ITR भरन की लास्ट डेट है, तो इस बार जेकर तुसी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे अपनी ITR लई तुहानू भारी जुर्माना पै सकता है। इसनों किद्दां फाइल करना है ते जेकर तुसी फाइल कर भी चुके हो तुहानू की प्रॉब्लम आ सकती है गलत इन्फॉर्मेशन भरन ते, आपां CM मनोज गुप्ता जी नाल गल कर लैंदे हां, सानू दस्सणगे कि गलत इन्फॉर्मेशन भरन तो बाद भी असी अपने ITR नू किद्दां करैक्ट कर सकते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, मैं MK गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ फ्रेंड्स इस तरह कि ITR दी सब तो पहला तो मैं दसदा भी जी लास्ट डेट है 31 जुलाई है, तो 3 दिन रह गए है, जे अपना 3 दिन के अंदर अंदर ITR फाइल नहीं कर पाते तो अपनी टोटल इनकम 5 लाख तो घट है, तो तुहानू 1000 रुपए के जुर्माने नाल फाइल कर सकते हो, तो जे 5 लाख तो उपर है इनकम तुहानू 5000 रुपए तक जुर्माना पे करके ITR फाइल करनी पेगी, प्लस ये तुहाडी ITR बिलेटड कंसीडर हो जाएगी अगर तुसी लेट फाइल करते हो 31 जुलाई तो बाद, इसलिए एडवाइजेबल है जिन्हें ITR फाइल नहीं हुई हैगी टिल डेट तक वो अपनी ITR 31 जुलाई तक फाइल कर लैन। तो ITR फाइल करन दे लई इस बारी मैं एक चीज़ दसनी चाहांगा, बहुत ही जरूरी फैक्ट है कि जिहड़ी ITR है वो फैक्ट बेस्ड होवे डॉक्यूमेंट बेस्ड होवे, इट मीनस कोई भी तुसी पर्टिकुलर अपनी ITR दे विच डिकलेयर कर रहे हो लाइक बैंक स्टेटमेंट का कोई डाटा है, कोई तुहाडा अपना कैपिटल गेन है, शेयर्स म्यूचुअल फंड की इनकम है, लैंड की कोई सेल परचेज है, कोई होर प्रॉपर्टी की सेल परचेज है, तो तुसी इस चीज़ के डॉक्यूमेंट तुहाडे कोल होने चाहिए है डिकलेयर करन तो पहला, और वो डॉक्यूमेंट के बेस पर प्रॉपर वर्किंग करके इहदी सारी चीज़ तां डिकलेयर होनी चाहिए है, और जिहड़ा कोई भी क्लेम है वो तुसी ITR दे विच एस्टीमेट बेसिस ते ना लो,
एक्चुअल कैलकुलेशन करके एक्चुअल डॉक्यूमेंट देख के सारी चीज़ नू उस हिसाब नाल प्रोसैस करो। इतने डिपार्टमेंट की अज के डेट के एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस काफ़ी बढ़ गई हुई है, वो टूल्स यूज़ करके डिपार्टमेंट सारा ही डाटा जिहड़ा फैच कर रहा है, चाहे वह तुहाडी कोई जमीन जायदाद की तुसीं सेल परचेज की है, चाहे तुहाडा बैंक स्टेटमेंट दे विच कोई फंड आए हैगे आ, चाहे तुसीं अपना जी एस टी का कोई डाटा किया, जी एस टी भी ये लिंक हो चुके हैं, और तुसी म्यूचुअल फंड शेयरस जां कोई डिविडेंड इनकम जां लोन दी इंटरस्ट इनकम सारिया चीज़ा आपस दे विच जिहड़ियां इंटरलिंक हो चुकी हैं, तो वह लिंकिंग होने दे नाल जिहड़ी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तो डिपार्टमेंट डाटा फिच करके इन्ना डिपार्टमेंट का जिहड़ा सिस्टम है वह स्ट्रोंग बन चुका है कि विदन सैकेंड्स वो लखा ही टैक्सपेयर्स का डाटा प्रोसैस कर सकता, तो आटोमेटड वे दे विच नोटिस भी इशू सिस्टम ही करेगा, उहदे विच मैनुअल किसी की जरूरत नहीं पैंदी डाटा नोटिस इशू करन दी। इसलिए आपां नूं बहुत ही इस बारी इसी साल तो यह सिस्टम शुरू होया है, तो आपां नूं जरूरत है भी आपां बहुत केयरफुल हो के अपनी जिहड़ी इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइल करन तो पहलां तैयारी करिए, एक चार्ट बनाइए भी किहड़ी किहड़ी अपनी हैड दे विच इनकम आती है, कित्थों कित्थों इनकम आती हैगी आ, उह सोर्स तो देख के परख के चैक करके फिर अपनी लाइबिलिटी डिकलेयर करिए, जो क्लेम लैना डिडक्शन लैना वो डिकलेयर करिए। इत्थे एक मैं बहुत ही तुहानूं इंपोर्टेंट चीज़ दस दिना, कुछ लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है भी असी तो जी अपनी आई टी आर फाइल कर ली है, हुण 28 तरीक है जी, हुण असी की करिए, तो जे आई टी आर फाइल कर ली है तो पंजाबी च कहावत है भी डुल्ले बेरां दा कुख नहीं बिगड़िया, तो तुसीं अपनी जिहड़ी आई टी आर है उहनूं रिवाइज़ कर सकते हो, तुसीं उहनूं करैक्ट कर सकते हो, दुरुस्ती कर सकते हो, जो भी उहदे विचों मिसटेक हुई है, जे तुसीं दुरुस्ती अपने लैवल ते करोगे तो फिर तुहानूं उहदी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई इंट्रस्ट नहीं लगेगा, कोई पैनल वो नहीं लगेगा, अपने आप जिहड़ी तुसीं बलंटरली जिहनूं कहिंदे हैगे आ उह चीज़ ठीक करन दा डिपार्टमेंट वल्लों कोई भी पैनल एक्शन नहीं होगा। बट अगर ये चीज़ डिपार्टमेंट के नोटिस आती हैगी है तो डिपार्टमेंट ये उत्ते इंट्रस्ट भी लाऊगा, तो पेनल्टी लाने भी 200% डिपार्टमेंट नूं थोटी हैगी है, तो कुछ केसेस दे विच पिछे आया हैगा भी डिपार्टमेंट ने प्रोसीक्यूशनस भी लॉन्च कीतियां हैगियां, जिवें सैलरीड इंप्लाइज के केस दे विच कुछ एक डिपार्टमेंट वल्लों फैक्ट्स सामने आए हैगे आ इंडिया दे विच कि वो एच आर ए क्लेम नूं काफ़ी वेख रहे हैगे आ, कोई डिडक्शनस क्लेम कीतियां जिवें एच आर ए वाइफ नूं पे करता है या वाइफ ने हसबेंड नूं पे करता है या पेरेंट्स नूं पे करता है, इन्हां चीज़ां नूं वेख रहे, कोई होर डिडक्शनस हैगियां उन्होंने डिपार्टमेंट काफ़ी वास्ट वे दे नाल देख रहा, लिंकिंग करके इंश्योरेंस दी बैंकिंग रिकॉर्ड्स नाल लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स नाल रिटर्न फाइल करन दे बहुत फायदे हैगे आ, इन टाइम आपां फाइल करते हैं, इहनूं इनकम प्रूफ भी यूज़ किया जाता है, किसी ने अबरॉड जाना हैगा तो उत्थे भी इहनूं सब तो वड्डा प्रूफ मन्निया जाता है, तो इसलिए जे तुसीं लोन लैना उहदे विच भी काम आती है, रिटर्न जिहड़ी हैगी है तुसीं जे तुहाडी इनकम ईवन निल है जां बिलो टैक्सेबल लिमिट तो नीचे है तां वी इट इज़ एडवाइजेबल तुसीं अपनी रिटर्न फाइल करो, जे किसी दे विच डाउट है तो तुसीं अपने टैक्स कंसल्टेंट नूं संपर्क कर सकते हो, पर सारी चीज़ कन्फर्म करके तुसीं फिर आई टी आर फाइल करो, उहदे नाल एक बहुत ही वधिया तरीके नाल तुसीं डिपार्टमेंट तो भी होर अपने बचे रहोगे, तो तुहाडा वैसे भी करैक्ट जिहड़ियां फिगर्स हैं वो रिपोर्ट हो जाणगियां, और अगेन फिर अगर मिसटेक हो भी गई है तो तुसीं अपनी मिसटेक की दुरुस्ती कर सकते हो। ये जिहड़ा डिपार्टमेंट का नवां टूल आया आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस जिहनूं ए आई इन शॉर्ट कहिंदे हैगे आ, इत्थों जिहड़ी इनफॉर्मेशन जिहड़ी इन्हें डिपार्टमेंट ने फैच करनी है, ये आल ऑफ द सडन डिपार्टमेंट ने शुरू किया है इस फाइनैशियल ईयर से, यदि सपोर्ट ना करना तो वेद तो भी थोड़ा जोड़ा है इन टाइम बचा हो सकता। सर क्या जा रहा है 31 जुलाई जी है लास्ट डेट है आई टी आर फाइल करन की, तो हूँ चैकिंग जी हो रही है फाइल्स दो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस बेस्ड हो रही है कि सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है, डिपार्टमेंट ने जिहड़ी टेक्नोलॉजी है इनू यूज़ करके अपनी जिहड़ी एक्यूरेट टैक्स लाइबिलिटी है उनू वर्क करना शुरू किया है, ये टैक्सपेयर्स की भी करैक्ट लाइबिलिटी एसकरटेन हो जाएगी, तो डिपार्टमेंट का भी जिहड़ा रिवेन्यू है उस हिसाब नाल उह चीज़ है, सिर्फ ये भी असी अपने आप नू प्रोटेक्ट करना इस तो टैक्सपेयर्स ने। सर जो हम तुम कह रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस वर्क कर रही है तो ये ह्यूमन बेस्ड काम घट है, मैनुअल के नाल नाल हूँ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का काम चल रहा है ना, तो ये करके लोगों का की नुकसान हो सकता है, तो जोड़े लोग सही अमाउंट के टैक्स नहीं पे करते उन्हों का की होएगा?
ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲਟੀ 200% ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਛ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੋਡੂਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਟਾਈਮ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪਲੱਸ ਪੈਨਲਟੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂਅਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੈਦਰ ਵਧੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ AI ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਲੌਂਗਰ ਰਨ ਵਧੂਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਜੋਬਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਦਲਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਹੁਣ AI ਦੇ ਟੂਲ ਆਈ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ITR ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 60-70% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ITR, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ITR ਇਨਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ITR ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60-70% ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਆਪਣੀ ITR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸਰ? ਉਹਨੂੰ ITR ਸਿੰਪਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਟੈਕਸਪੇਅਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸਟਿਲ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨਕਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਅਰਫੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮੈਨਮੇਡ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀਡ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਈਡ, ਉੱਧਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ HRA ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਕੇਅਰਫੁੱਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੇ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ITR ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਕਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੇਅਰਫੁੱਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ, ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ITR ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ? ਅਗੇਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਈਵਨ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਟੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਐਪਸ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਸੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
तो जे तुसी भी हुण आई टी आर फाइल करन जा रहे हो या फिर कर चुके हो तो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो उन्होंने सही कर लो, नहीं तो पेनल्टी तुहानू लग जाएगी। इस दे नाल ही अपनी इन्फॉर्मेशन हमेशा सही नंबर सही जगह पर फाइल करो तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि तुसी कदे भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करो, क्योंकि हुण आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का टाइम आ गया जिते हुण मैनुअल दे नाल नाल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे नाल काम हो रहा है तो तुहाडी चोरी जिहड़ी है फड़ी जा सकती है तो तुहानू भारी जुर्माना जिहड़ा पै सकता है। इसलिए आई टी आर फाइल करन तो पहले इस वीडियो नूं जरूर देख लियो ते वधेरे अपडेट्स देखने के लिए देखते रहो द सिटी हेडलाइंस।